हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सफ़ेद दाग के बारे में, विटिलिगो के बारे में या ल्यूकोडर्मा के बारे में। मैं आपको आज कुछ ऐसे हर्ब्स बताऊंगी कि अगर आपको विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा की शुरुआत हुई है तो आप उसको वहीं रोक सकते हैं बढ़ने से और उसको वहीं पर ही एक दो पैच को सेटल कर सकते हैं या ठीक कर सकते हैं। आज हम उन हर्ब्स के बारे में बात करेंगे जो विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा या सफ़ेद दाग में महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं उसको ठीक करने के लिए, उसको बढ़ने नहीं देती हैं। और अगर एक दो पैचेस से अभी बस शुरुआत ही हुई है आपकी तो आप उसको घर बैठे ठीक कर सकते हैं। तो मैं जो हर्ब्स बताने जा रही हूँ वो बहुत ही कॉमन हर्ब्स हैं। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हर्ब्स हैं और इनको आपको कैसे यूज़ करना है और ये क्या करेंगी। सबसे पहले जो हर्ब है वो बहुत ही कॉमन हर्ब है जिसको हम बोलते हैं नीम। नीम इजीली मिल जाती है हमारे आसपास, घरों के आसपास आप उसका सेवन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हर्ब है वो है गिलोय। आप गिलोय को कैसे इनटेक कर सकते हैं? गिलोय की टहनी आती है, बार्क आती है जो इजीली अवेलेबल होती है जहाँ पे पेड़ पौधे लगे होते हैं। तो आप गिलोय का जो बार्क आप लोगे, टहनी आप लोगे, उसको आप नॉर्मली भिगो के गुनगुने पानी में, उसको मिक्सी में पीस के ग्राइंड करके उसको आप डायरेक्टली इनटेक ले सकते हो। गिलोय आपका इम्यूनिटी इन्हांस करेगा क्योंकि विटिलिगो एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है और जब इम्यूनिटी आपकी बढ़ जाएगी, इन्हांस हो जाएगी, तो आपका जो सफ़ेद दाग जिस वजह से हो रहा है, इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से हो रहा है, वो स्ट्रांग होगा और वो और नहीं बढ़ेगा या वो जो हो रहा है वो वहीं पे सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट जो हर्ब है वो है चिरायता। चिरायता एक हर्ब होता है, बहुत कड़वा होता है टेस्ट में, बट अगर आपको ठीक होना है तो आप इसका इनटेक कर सकते हो। एक चिरायता हर्ब है और एक और हर्ब है जिसको हम बोलते हैं रक्त चंदन। तो जैसे मैंने बताया, नीम, रक्त चंदन और चिरायता, आपको इसका इनटेक कैसे करना है, आप तीनों को एक साथ नॉर्मल गर्म पानी में उबाल के पूरी रात के लिए भिगोने के लिए रख दीजिए। सुबह उसी पानी को छान के आप उसका सेवन करें। तो चिरायता और रक्त चंदन और नीम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कैसे हेल्प करेगी सफ़ेद दाग को ठीक करने में, ये रक्त शोधक होते हैं। रक्त शोधक मतलब आपका ब्लड प्योरीफाई करते हैं। तो जब रक्त शोधक आपकी बॉडी में जाएगा तो अगर आपको एक दो पैचेस आए हैं तो वो बढ़ेंगे नहीं आगे। तो इस ये हेल्प करेगा सफ़ेद दाग को रोकने के लिए, बढ़ने से रोकने के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दो पैच आया तो ये और पूरी बॉडी में हो गया या अलग अलग जगह पे हो गया। ये हेल्प करेगा कि और आपका सफ़ेद दाग स्प्रेड ना हो और कहीं ना जाए, और ये हेल्प करेगा आपका ब्लड प्योरीफाई करने में। तो आप इसका इनटेक कर सकते हैं। इसके साथ आप कुटकी भी यूज़ कर सकते हैं। कुटकी भी एक हर्ब होता है जिसको आप इसी में पूरी ओवरनाइट गुनगुने पानी में या गर्म पानी में भिगो के आप रख दीजिए। सुबह इसको एक काढ़ा बन जाता है इसका और सुबह उसको आप छान के पी लीजिए। तो जब इसको आप सेवन करेंगे तो आपका विटिलिगो अगर एक दो दाग हुए हैं और जस्ट होना शुरू हुआ है तो ये वहीं रुक जाएगा और जो विटिलिगो एक दो दाग में दिख रहा है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो जैसा मैंने बताया, आप गिलोय का सेवन अलग कर सकते हैं डेली बेसिस पे। नेक्स्ट आप नीम, चिरायता, कुटकी और रक्त चंदन, इसको मिक्स करके काढ़ा बना के इसका सेवन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है हमारा जो हर्ब है वो है बापची। बहुत से डॉक्टर्स देते भी हैं ट्रीटमेंट में बापची को। आप खाने की बजाय खा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। खाने से ज़्यादा फोकस करना लगाने से। कई लोगों को बापची से एलर्जी भी होती है, तो अगर आपको बापची लगाने के बाद जलन हो या वहाँ छाले जैसा कुछ इरप्शन आने लग जाए तो आप उसका सेवन ना करें, क्योंकि बहुत लोग बापची से एलर्जिक होते हैं, बापची से उनके छाले पड़ जाते हैं जहाँ पे भी वो अप्लाई करते हैं। तो अगर ऐसा कुछ नहीं है, एलर्जिक नहीं है, तो आप बापची को पीस के नॉर्मल उसको आप हल्दी में मिला के लगा सकते हैं। हल्दी और बापची एक साथ मिला के, और उसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हो ताकि ठंडक दे आपको। तो कोकोनट ऑयल भी थोड़ा सा मिला के, इन तीनों को मिला के, बापची को पीस के, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला के, थोड़ा सा कोकोनट ऑयल मिला के, जहाँ सफ़ेद दाग हुआ है आप वहाँ पे उसको लगाओ और आपको ये डिफरेंस समझ आएगा हफ्ते 10 दिन में कि जो सफ़ेद दाग आपका हो रहा था वो एक तो बढ़ने से भी रुक गया है और वो हल्का हल्का आपके नॉर्मल स्किन टोन पे आ गया है। ये सारे जो हर्ब्स मैंने बताए हैं ये आपके इम्यून सिस्टम पे काम करते हैं, आपकी इम्यूनिटी को इन्हांस करते हैं
और इम्यूनिटी जब इन्हांस होती है तो जो सफ़ेद दाग या वाइट पैच या ल्यूकोडर्मा आपको हो रहा है वो वहीं पर ठीक होना शुरू हो जाता है। तो ये जो हर्ब्स होते हैं ये आप ऐसे लगाएं और ऐसे इनका सेवन करें और आप खुद देखिए कि कितनी जल्दी आपका विटिलिगो एक बढ़ने से रुक भी गया है और जो रिकवरी हो रही है वो दाग में भी रिकवरी होना शुरू हो गई है। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे और जितना हो सकेगा अपने माइंड को स्ट्रांग रखेंगे, क्योंकि ये स्ट्रांग है तो आप हर बीमारी बीट कर सकते हैं, आप हर बीमारी पे विजयी हो सकते हैं। और ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ये क्या हो गया, लोगों की बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, सोसाइटी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आप औरों से अलग नहीं हैं और ये सिर्फ एक इम्यून रिस्पॉन्स है बॉडी का, जो कलर, जो स्किन का कलर हल्का कर देता है या उसकी पिगमेंटेशन को कम कर देता है, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। बाकी ये इम्यून रिस्पॉन्स होता है, कभी भी कैसे भी किसी को भी हो सकता है, जब भी उसको ट्रिगर मिलेगा वो तब हो सकता है। तो आप इससे घबराएं ना, अगर ये आपको हो रहा है तो आप इन टिप्स से इसको ठीक कर सकते हैं और उसको बढ़ने से रोक सकते हैं अगर शुरुआती दौर पे है। और अगर आपका सालों से विटिलिगो या सोरासिस ठीक नहीं हो पा रहा है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे इमेजेस भेज सकते हैं, इसी नंबर पे कॉल करके डॉक्टर से बात कर सकते हैं, मुझसे आके मिल सकते हैं और एक परमानेंट इलाज इसका आप ले सकते हैं। और क्योंकि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है तो आपके इम्यून सिस्टम को इन्हांस करना पड़ता है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को रिवर्स करना पड़ता है और इस तरह से ये ठीक होता है। तो आप घबराइए मत, ऐसी कोई भी समस्या है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करिए और अपनी बीमारी का एक सही सल्यूशन लीजिए। सो थैंक यू एंड टेक केयर।